देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, हाउ टू फाइंड द टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। आप सीक्वेंस के एंड में से टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे आपको आता है क्वेश्चन, फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज, अंडर रूट टू कॉमा टू कॉमा टू अंडर रूट टू कॉमा टू सो ऑन कॉमा 32। देखो, आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेवन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज अंडर रूट टू 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 अंडर रूट टू 32। ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, देर आर टू मेथड्स। वन इज यू हैव टू फाइंड द सेवन टर्म फ्रॉम द एंड। अगर इस सीक्वेंस को मैं उल्टा लिख लूं, 32 कॉमा अप टू सो ऑन टू अंडर रूट टू कॉमा टू कॉमा अंडर रूट टू, अगर मैं सीक्वेंस उल्टा लिख रहा हूं तो इसका मतलब है 30, तो मुझे यहां पर सेवन टर्म फाइंड आउट करनी है, कहां से, स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आपने यहां पर सेवन टर्म फाइंड आउट करनी है कहां से, स्टार्टिंग से। तो सेवन टर्म क्या है यहां पर स्टार्टिंग से, T7 इज ए आर रेस्ट टू पावर 6। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज 32 एंड आर इज, व्हाट इज आर रेशियो बिटवीन द कंजेक्टिव टर्म्स, यानी कि जैसे ही आ गया अंडर रूट टू डिवाइड बाय टू विच इज इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 इज द कॉमन रेशियो, लास्ट टर्म डिवाइड बाय सेकेंड लास्ट टर्म, और सेकेंड लास्ट टर्म डिवाइड बाय थर्ड लास्ट टर्म। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए एंड आर इन T7, then T7 is equal to, what is A? Is 32 and R is 1/√2 raised to power 6, which is equal to 32 into 1/√2 raised to power 6 is 1/2 raised to power 3, and which is equal to 4. So seven term from the end of a series is 4. Now another method, how to find the terms from the end of the series. यहां पर एक फार्मूला है, अगर आपने एंड ऑफ द सीरीज निकालना है कोई भी टर्म, तो आपके पास फार्मूला है L/(r)^(n-1), वेर एल इज द nth टर्म, एल इज nth टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो। तो आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड द सेवन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। ओके, नाउ एल, एल इज द एनथ टर्म, नाउ व्हाट इज एल, एल इज 32, तो 32 डिवाइड बाय आर, कॉमन रेशियो इज 1/√2, कॉमन रेशियो इज 1/√2, तो क्या जाएगा आपके पास, कॉमन रेशियो इज 1/√2, सॉरी नो अंडर रूट 1/2 नहीं है। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द सीरीज, दिस इज द सीरीज एंड इन दिस पार्ट कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू √2, एंड द कॉमन रेशियो इज √2, देयरफॉर द सेवन टर्म फ्रॉम द एंड इज एल डिवाइड बाय आर इज √2 रेज टू पावर एन 7-1, विच इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय √2 raised to power 6, विच इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 2 raised to power 3, एंड विच इज इक्वल टू 4। सेम आ रहे हैं, सेवन टर्म फ्रॉम द एंड, इन बोथ केसेस इज 4। आपने ध्यान रखना है, फाइंड द सेवन टर्म फ्रॉम द एंड, एक मेथड है कि आप सीक्वेंस को या सीरीज को इसको उल्टा भी लिखकर सॉल्व कर सकते हो स्टार्टिंग से टर्म निकाल के। एंड द अनदर मेथड इज द एनी टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज इज एल अपॉन आर इज टू पावर एन माइनस वन, वेर एल इज द एनथ टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर एनथ टर्म क्या आपके पास 32, 32 डिवाइड बाय आर, कॉमन रेशियो क्या है इसमें, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं,
ठीक है, इसमें लगेगा फार्मूला, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, इसको रेशनलाइज कर लो, अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एड आर इन दिस टर्म, ठीक है। देन एल अपॉन आर इज टू एन माइनस 1, 32 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 इज टू आर 7 माइनस 1, सॉल्व करो आपके पास ये आ जाएगा।